गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुधाकर सर एंड टुडे आई टीच टू यू क्लास 8th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन थर्ड. क्वेश्चन थर्ड इज एट द फॉलोइंग. थर्ड क्वेश्चन एट द फॉलोइंग. एट द फॉलोइंग आपको इन्हें ऐड करना है. ऐड करना मतलब जोड़ना है. एट द फॉलोइंग फर्स्ट नंबर पे आपका है क्वेश्चन. देखेंगे ए बी माइनस बी सी फिर कॉमा लगा होगा. फिर आपके पास है बी सी माइनस सी ए, फिर आपका कॉमा लगा है यहाँ पे. फिर है सी ए माइनस ए बी. अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे सॉल्व थर्ड फर्स्ट का. इसमें आपको नंबर क्या लिखा है पहले लिख देंगे. ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए, सी ए माइनस ए बी. अब इनका क्या बोला ऐड द फॉलोइंग मतलब सभी को ऐड करना है. इक्वल का साइन लगाएंगे. ए बी माइनस बी सी जहां पे कॉमा लगा वहां पे प्लस का साइन लगाएंगे. बी सी माइनस सी ए जहां पे कॉमा लगा वहां प्लस का साइन और सी ए माइनस ए बी. अब आपको इसमें क्या लिखे. अब इनमें ए बी को साथ में कर लिख देते हैं. बी सी साथ में लिखा है, सी ए भी साथ में लिखा है. यहाँ पे देखेंगे ए बी प्लस साइन के साथ है और यहाँ पे ए बी माइनस साइन के साथ है. तो ए बी माइनस ए बी लिख दीजिए. यहाँ पे माइनस बी सी देखेंगे लिखा है और यहाँ पे प्लस बी सी लिखा है. फिर यहाँ पे प्लस माइनस सी ए लिखा है, फिर प्लस सी ए लिखा है. अब ए बी में ए बी को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. माइनस बी सी में बी सी को करेंगे तो जीरो मिलेगा. सी ए में सी ए मतलब ए बी जीरो, बी सी जीरो, सी ए जीरो. तीनों कट गए क्योंकि तीनों का क्या है पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन, निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन. तो ये कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला लास्ट में जीरो. तो थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका देखते हैं. तो आंसर क्या मिला मुझे, जीरो. क्वेश्चन नंबर सेकंड है अब क्वेश्चन सेकंड में आपका क्या है ए माइनस बी क्या लिखा है सेकंड में. ए माइनस बी प्लस ए बी ध्यान से देखिएगा. फिर लिखा है आपका b माइनस सी प्लस बी सी, बी माइनस सी प्लस बी सी. फिर लिखा होगा c माइनस ए प्लस सी ए, ऐसे लिखा होगा c माइनस ए प्लस ए सी लिखा है. ए सी लिखो या सी ए को दोनों सेम ही है. अब इसका सोल्यूशन करते देखिए सॉल्व थर्ड का सेकंड. इसमें भी क्या करना है हमें ऐड करना है. क्या करना ऐड करना है. a माइनस बी प्लस ए बी माइन कॉमा लगा लगा दे. b माइनस सी प्लस बी सी कॉमा लगा लगा दे. c माइनस ए प्लस ए सी. अब इनको ऐड करेंगे जहां पे कॉमा लगा हुआ पे ऐड के साइन. a माइनस बी प्लस ए बी माइनस यहाँ कॉमा यहाँ पे प्लस लिखेंगे. b माइनस सी प्लस ए बी कॉमा जहां पे लगा वहां पे प्लस का साइन. सी माइनस ए प्लस ए सी. इतना आगे समझ में. अब देखेंगे ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस यहाँ पे बी सी लिखा था. बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी. अब इसमें आपको जो माइनस और प्लस में है उसको कैंसिल कर देंगे. जैसे a प्लस में है और यहाँ पे a माइनस में, ये दोनों कैंसल. यहाँ पे b माइनस पे है, यहाँ पे b प्लस पे है, ये दोनों कैंसल. यहाँ पे c माइनस पे है, यहाँ पे c प्लस पे है, ये दोनों कैंसल. अब हमें बचा क्या हमारे पास लिखने के लिए लास्ट में ए बी, फिर आपका बी सी, फिर आपका सी ए. और यही हमारा क्या होगा आंसर. थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें है टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर
प्लस 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड का थर्ड अब थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन है, टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। माइनस 3pq प्लस 4 कॉमा लगाएंगे 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q². अब इसमें हमें ऐड करना है, तो जहां पे कॉमा होगा वहां पे ऐड का साइन लगा के सॉल्व करेंगे। सॉल्व थर्ड 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 कॉमा की प्लेस पे प्लस का साइन 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q². अब यहां पे देखेंगे आप जो नंबर सेम टू सेम 2p² q² लिखा है इसको राइट कर दे। यहाँ पे माइनस 3p² q² माइनस में है तो इसको यहाँ पे ला के रख दे 3p² q², सेम सेम नंबरों के एक साथ देखेंगे। माइनस 3pq लिखा है आप माइनस 3pq लिख दे। यहाँ पे 7pq लिखा है आप 7pq लिख दे। यहाँ पे प्लस 4 है प्लस 4 लिख दे। यहाँ पे प्लस 5 है तो 5 लिख दीजिए। सेम सेम नंबर एक साथ आपके हो गए। अब 2p² q² में 3p² q² माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस p² q² थ्री माइनस 3p प्लस 7pq 3 7 में 3 माइनस प्लस 4pq प्लस 4 5 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका है, देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपका, यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर, फिर क्या है यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर कॉमा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर कॉमा है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर कॉमा है 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। जब इसका सॉल्व करेंगे सॉल्व 4 तो ऐड कर देंगे सभी को, यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा है वहां पे प्लस का साइन लगेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा है वहां पे प्लस का साइन लगेगा, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा है वहां पे प्लस का साइन लगेगा, 2lm 2mn 2nl। देखेंगे यहाँ पे यल कितना है 1l और यहाँ पे 1l तो 1 1 2l² यम कितना है 1m 2m तो 2m² एन कितने हैं 1n 2n तो 2n² फिर 2lm 2mn और 2nl। इसी के साथ हमारा क्या हुआ सॉल्यूशन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। तो स्टूडेंट आज की क्लास हमारे यहीं पे कंप्लीट होती है। आप चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।